हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ अभिजीत भट्टाचार्य हैं, आप रक्षा विश्लेषक हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एन के सिंह साहब भी मौजूद हैं। एन के सिंह साहब, कल भी हम लगातार चर्चा कर रहे थे और कल जिस तरीके के बयान आए उनको भी विस्तार से समझेंगे, लेकिन आज का दिन कितना महत्वपूर्ण आपको नज़र आता है दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से? देखिए, सच बात यह है कि आज का दिन सबसे अहम है, क्योंकि इस समय जो निगोसिएशंस होंगे वो प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर होंगे। कल ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन इस समय जो निगोसिएशंस तमाम मुद्दों पे होंगे और जो मेन मुद्दे हैं उसमें बहुत स्पष्ट है कि उसमें इकोनॉमिक टाइज हैं, उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, कुछ डिफेंस उसको लेके, और तीसरा ये है कि एग्रीकल्चर में आप क्या करते हैं। कल तक कोई ऐसा नज़र नहीं आया टेंजिबल रिजल्ट जिसको कि हम ये कहें कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ये चीज़ें हो रही, लेकिन आज मुझे लगता है कि एक तो एग्रीकल्चर में जो रिसर्चेज उनके हैं, आप ध्यान रखिएगा कि ये अकेला देश है दुनिया में जो कि अपने R&D पे अपनी GDP का 4% खर्च करता है। भारत 1% से भी नीचे है, बहुत नीचे है 1% से R&D पे, लेकिन रिसर्च पे ये बहुत खर्च करता है। तो अगर उसको कुछ टाइज जो होने हैं हमारे साथ वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के और तो रिसर्च उनको मार्केट चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, दोनों ही देशों को एक दूसरे की जरूरत है। हमारे साथ एनएन जयपुर राजनयिक भी जुड़े हुए हैं बाहर से, साथ ही प्रकाश शाह भी हमारे साथ पूर्व राजनयिक है, वो भी जुड़े हुए हैं। अभिजीत जी, मैं आपके पास आऊंगे। स्पाइक मिसाइल जो है, एंटी टैंक मिसाइल, पिछली बार उस पर बात नहीं बन पाई थी, लेकिन इस बार उम्मीद है कि फिर से पुनर्विचार और बातचीत होगी और हो सकता है कि डील हो जाए। इस पर नजर है, क्योंकि बहुत अहम है ये डील हमारे लिए। मैडम, बात तो ये है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में चाहे स्पाइक्स हो, चाहे टैंक हो, चाहे आर्मर्ड पर्सोनल कैरियर हो, इंडिया और इसराइल की जो अभी जो समझौता होने वाली है वो बहुत इसका एक बड़ा विचित्र रूप धारण करने वाला है, क्योंकि उनका टेक्नोलॉजी इस तीनों चीज में, टैंक, आर्मर्ड पर्सोनल कैरियर और एंटी टैंक मिसाइल जो लैंड वॉरफेयर में है, इसराइल आज की तारीख में आप समझ सकते हैं 1, 2, 3 के अंदर में है। और इसलिए और हमें इस एट दिस जंक्चर हमें इसमें थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है जी, और मुझे लगता है कि स्पाइक की डील हो जाएगी। ठीक है, हमारे साथ एनएन झा साहब हैं, पूर्व राजनयिक। एनएन झा साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, कल जिस तरीके से इसराइल के प्रधानमंत्री का बयान आया है आतंकवाद के मोर्चे पर, उन्होंने कहा है कि आतंकवाद से लड़ना ही होगा, यही उसका समाधान है, क्या कुछ इस बयान का मतलब आपको नज़र आता है? भारत में आकर वो बयान दे रहे हैं, पाकिस्तान को सीधा सीधा संदेश माना जाए? इसमें जहाँ पूरी रूप से तो समझ आपकी बात समझ नहीं है, क्योंकि वो आवाज़ कम है हमारे रिसीवर में, तब भी जितना मैंने सुना वो बताता हूँ कि वो आतंकवाद के खिलाफ इंडिया इसराइल के वो जो समझौता हैं और कोऑपरेशन है, सहयोग है, ये बहुत बहुत काफ़ी 8-10 वर्षों से है और ये बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जाती है और हमारे यहाँ भी अभी समझ ज़्यादा है इस विषय का। उनका ख़ास ध्यान है वो जो 26/11 को जो हुआ था मुंबई में, क्योंकि उनके बहुत लोग मारे गए और अगर वो उसके जड़ पर पहुंच करके उसे उखाड़ दें जी, उनके लोगों को तब आईने के लिए भला होगा, ये दोनों देशों का विचार है। जी जी बिल्कुल। हमारे साथ प्रकाश साहब भी जुड़े हुए हैं, पूर्व राजनयिक है। प्रकाश साहब, हम दोनों ही देशों को आज़ादी मिलने में कुछ महीनों का फर्क था, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, खुफिया तंत्र की बात करें, तो इसराइल हमसे कहीं आगे है। तो साइबर सिक्योरिटी, रक्षा, कृषि, मतलब इन सब बातों पर काफ़ी कुछ मिल सकता है इस समझौते में, इस मुलाकात में। जी, आपकी बात ठीक है। इसराइल के साथ हमारा काउंटर टेररिज्म काफ़ी सालों से चल रहा है, बट जो टेररिज्म की आइडियाज़ हैं वो बहुत बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी से बहुत आगे जा रहे हैं और साइबर सिक्योरिटी अभी बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है जी। तो उसके लिए इसराइल ने काफ़ी प्रोग्रेस करा हुआ है और हमारे को ज़रूरत है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हिंदुस्तान में, भारत में, और उस प्रॉब्लम के लिए जितनी भी आपको कोऑपरेशन मिल सकती है इसराइल से वो लेनी चाहिए। 2017 में हमने इसराइल के साथ समझौता भी किया था और अब माना जा रहा है शाह साहब कि उस समझौते को आगे बढ़ाया जाएगा साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से, और अगर इन बीते 2-3 सालों को हम देखें तो साइबर क्राइम तक ही हमारे देश में आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। तो जैसा आप कह रहे हैं, उस चुनौती को सरकार भी समझ रही है।
जी सरकार को पता है, सरकार अपने आप बहुत ही एरियाज में साइबर सिक्योरिटी में प्रोग्रेस कर रही है, पर ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है क्योंकि इजराइल की जो साइबर सिक्योरिटी के साथ जो उनका समझौता है, सब जो उन्होंने प्रोग्रेस करा हुआ है, R&D करा हुआ है, वो बहुत आगे हो गया है। और ये एक अच्छी बात है कि अब दोनों सरकार इसमें कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। जी एनके सिंह साहब, ये भी एक देखना होगा कि ये तो सही बात है कि हमें उनकी टेक्नोलॉजी चाहिए, लेकिन अगर GDP की बात करें तो उनकी GDP बढ़ाने के लिए अगर रक्षा समझौते हो जाते हैं तो इसराइल के लिए भी काफी बेनिफिशियल रहेगा, ये भी वो चाहते हैं। एक बात बहुत साफ है कि इस समय इसराइल का GDP करीब 324 बिलियन डॉलर का है, पाकिस्तान से थोड़ा ज्यादा, लेकिन जहाँ पाकिस्तान की पॉपुलेशन 22 करोड़ है वहां पे इसकी पॉपुलेशन करीब 90 लाख है। आप समझ सकती हैं कि दोनों में कितना अंतर है। तो 320 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बहुत बड़ी नहीं मानी जाती है, लेकिन एक चीज जरूर है, लगभग इतना ही हमारा डिफेंस बजट होता है जितने उनकी इकोनॉमी साइज है। लेकिन हम इससे इस पे ना जाएं, जितना वो डिफेंस पे खर्च करते हैं उतना हम करते नहीं, R&D पे करते हैं। और एक ऐसा देश है जिससे हमारे आज के संबंध नहीं है, जब इसराइल आजाद हुआ था आप याद करिए कि चाइना वार से हम बुरी तरह हार रहे थे, उस समय जो वेपनरी आई थी वो रिक्वेस्ट किया था नेहरू जी ने और इमीडिएटली वहां से सप्लाईज आई थी। हाँ। और उसके बाद भी लगा था पाकिस्तान से लड़ाई में, कारगिल में लड़ाई में, पाकिस्तान में नहीं, अगर मुजीबुर रहमान को बचाने का जो इंटेलिजेंस था वो इसराइल से आया था। आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद को माना जाता है। कहा भी इन्होंने कल अपने बात करते हुए नेतन्याहू साहब ने कि हम 30 हमले हमने बचाए हैं, और इस तरह से हमारी दुनिया में 30 टेररिस्ट हमले उन्होंने बचाए हैं अपने इंटेलिजेंस रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स को देके, तो आप समझ, भारत के भी हमले बचाए हैं, तो इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसराइल का। अमेरिका भी लोहा मानता है, ऐसे में हमें इंटेलिजेंस इनपुट एक ऐसी जगह पे, बगल में पाकिस्तान है, चाइना है, होस्टाइल दो नेशंस है, उस इंटेलिजेंस इनपुट अगर हमारे पास आता है या हम अपने सर्विलांस को ज्यादा डेवलप कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं ये सीधी तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से, जहां इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहुंच चुके हैं और उनके स्वागत कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में इजराइल के प्रधानमंत्री की पत्नी सारा भी मौजूद है। और अब यहां राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन को। बिल्कुल, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन से, जहां पर कल भी प्रोटोकॉल तोड़ करके जिस तरह से गर्मजोशी से जाकर मिले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी हमने देखा था और आज भी देख सकते हैं कि क्या गर्मजोशी। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही नेताओं की बॉडी लैंग्वेज एक जैसी लग रहा है कि दोनों का जो पर्सनैलिटी है उसमें टैली बहुत ज्यादा है। आपको याद होगा कि मोदी जी जब वहां गए थे और उन्होंने एक चीज कहा था, I-141 या इसको यूं कहिए I for I, इंडिया फॉर इजराइल, ये नारा दिया था। मोदी जी का ये शौक है इस तरह के कपुल करना, न्यूमरल्स को और वर्ड्स को मोदी जी का शौक है, लगभग उतना ही शौक इनका भी है। ये जब लैंड किए भारत में तो कल इन्होंने बड़ा बढ़िया कहा I² for T² अब इसका समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब होता है, तो उन्होंने क्लैरिफाई किया इंडिया इजराइल फॉर ट्रेड एंड टेररिज्म, यानी जिस तरह से मोदी जी ने वहां जाकर के इस्तेमाल किया वैसे ही। बिल्कुल, तो ये बहुत सही बात आपने कही कि पर्सनालिटी बहुत मिलती है। और कल नेतन्याहू साहब ने ये भी बात कही कि हम दोनों ही देशों में काफी कुछ समानता है और हम दोनों ही। तो इस वक्त आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन दिल्ली की तस्वीरें, जहां इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन की सीधी तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप न्यूज नेशन पर देख रहे हैं। और ये आज इसराइल के प्रधानमंत्री के 6 दिन के दौरे का दूसरा दिन है और आज का दिन सबसे अहम इस यात्रा के लिहाज से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें दोनों देशों को हैं आज इस दिन, जब प्रधानमंत्री दोनों देशों के आपस में बैठकर मुलाकात करेंगे, कई अहम समझौतों पर मोहर लगेगी, आर्थिक फोरम की भी शुरुआत होनी है। बिल्कुल, तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन से, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात के बाद आज के दिन के कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और देख सकते हैं गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है बेंजामिन नेतन्याहू को। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, खुद उन्होंने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन से, जहां पर उनके सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का। ये तस्वीरें काफ़ी अहम है और ये दिखाती हैं कि किस तरह से हम अपने यहाँ आए हुए मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, और ख़ास तौर पे हमारे प्रधानमंत्री खुद ही अपनी गर्मजोशी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। और ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में, आज के दिन की शुरुआत राष्ट्रपति भवन में उनके स्वागत के साथ, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है प्रधानमंत्री नेतन्याहू का।
और ये दूसरा दिन है आज उनके दौरे का। देश के प्रथम नागरिक रामनाथ कोविंद जिनके राष्ट्रपति भवन में इस वक्त मौजूद हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, और यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर का सीधा मतलब ये कि पूरा देश इजराइल के प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहा है। और जो इस वक्त ये तस्वीरें हैं ये काफ़ी कुछ कहती हैं, सिर्फ दोनों देशों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। और जैसे ही भारत पहुँचे बेंजामिन नेतन्याहू और उन्होंने जो बयान दिए हैं उसका भी काफ़ी कुछ मतलब है पूरी दुनिया के लिए, भारत और इसराइल के रिश्तों के लिहाज से। और उसी की झलक इन तस्वीरों में दिख रही है जब इसराइल के प्रथम नागरिक को भारत में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं, आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत मौजूद हैं, विदेश राज्य मंत्री भी मौजूद हैं, तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं उनके स्वागत के लिए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन से। आज कई अहम बैठकों में हिस्सा लेना है बेंजामिन नेतन्याहू को, आज द्विपक्षीय वार्ता होनी है दोनों देशों के बीच में, साथ ही इजरायली पीएम भारत इजरायल सीओ फोरम से भी उनकी मुलाकात होनी है राष्ट्रपति भवन में। उससे पहले उनका सम्मान किया जा रहा है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। इसके बाद अब वो राजघाट जाएंगे जहां महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे, और उसके बाद हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होगी, बातचीत होगी। तो आज का पूरा दिन जो है वो खास है, बेहद अहम है। दोपहर 12:30 बजे डेलीगेशन लेवल की बातचीत का भी कार्यक्रम है। और ये देखिए किस तरह से, ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जी, इसका इतना बड़ा तगड़ा सिग्निफिकेंस है हमें जो लग रहा है एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए, हमें तो यही नजर आ रहा है जी। तो आतंकवाद से लड़ने वाली दो बड़ी ताकतों की एक तरीके से ये एक तस्वीर है जो इस वक्त दिख रही है राष्ट्रपति भवन में, जहां इजराइल के प्रधानमंत्री मौजूद हैं। भारत में इस वक्त 6 दिन के दौरे की उनकी शुरुआत हो चुकी है, आज दूसरा दिन है, और दोनों ही देश लगातार आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते रहे हैं। और जैसा रक्षा विश्लेषक अभिजीत भट्टाचार्य कह रहे हैं कि इस तस्वीर का काफ़ी कुछ मतलब है आतंक के खिलाफ लड़ाई के संदर्भ में, देखना होगा आने वाले दिनों में तस्वीर कैसे आगे बढ़ती है। लेकिन इस वक्त की तस्वीर गार्ड ऑफ ऑनर की, राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया जा रहा है इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को। तो ये खास मैसेज भी देती है पूरे वर्ल्ड को, वाकई जिस तरह से अभिजीत जी ने कहा कि एक मैसेज जा रहा है, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हम सब देख पा रहे हैं कि कितने हम एकजुट हैं टेररिज्म के खिलाफ। और कल बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कहा भी था कि हम दोनों ही मुल्कों में एक समानता है। और ये देखिए एक बार और फिर मिल रहे हैं दोनों देशों के प्रधानमंत्री, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की इसराइल के प्रधानमंत्री ने, और उसके बाद जो तमाम मंत्री केंद्रीय मंत्री इस वक्त मौजूद हैं राष्ट्रपति भवन में उनका परिचय करा रहे हैं। और एनएन झा हमारे साथ पूर्व राजनयिक जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। झा साहब, ये जो तस्वीरें हैं ये काफी कुछ दिखाती हैं, एक संदेश है पूरी दुनिया को कि आतंकवाद के खिलाफ हम एकजुट हैं, और अगर कोई हमारे मुल्क की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसका जवाब देना हम जानते हैं। देखिए मैं दुर्भाग्यवश जिस कमरे में बैठा हूँ वहाँ टीवी नहीं है, लेकिन मैं सब सुन सकता हूँ और कल्पना कर सकता हूँ, ऐसे बहुतों को मैंने देखा है खुद। दूसरी बात यह है कि ये दोनों देशों का दृढ़ निश्चय है कि आतंकवाद, आतंक को दुनिया से मिटा दिया जाए, क्योंकि दोनों देशों के लिए और देशों को भी, सारी दुनिया के लिए खतरा है। और इतना ही कि कोई पाकिस्तान जैसे देश हैं समझते नहीं हैं, समझ में ये बात नहीं आती है, लेकिन और सब देश समझते हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। तो जहाँ तक इसराइल और इंडिया का सहयोग है, होमलैंड सिक्योरिटी जो है इसराइल का वो बहुत कड़ा है, बिल्कुल अमेरिका शायद प्रदान किया है, और हमें और हम भी उसका फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरह की भौगोलिक स्थिति है इसराइल की, उसके बाद जिस तरह से सिविलियंस भी वहां पर मोदी जी मिल रहे हैं, परिचय नेतन्याहू करा रहे हैं। ये हम देख पा रहे हैं। एनके सिंह साहब, ये हालांकि जो भी किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आते हैं तो इस तरीके की प्रक्रिया होती ही है उनके सम्मान में, लेकिन इसराइल के प्रधानमंत्री के साथ जो ये तस्वीरें दिख रही है जोश अलग है, वाकई कुछ और कुछ कहते हैं ये गर्मजोशी, वाकई कुछ केमिस्ट्री कुछ डिफरेंट है। और जो बियर हग वाला आप देखते हैं ना, ये मोदी जी का एक टिपिकल स्टाइल है, और कहीं वो जा रहे हैं जिस तरह का वो रिलेशन डेवलप हो रहा है, हम सिर्फ ये कह के खारिज नहीं कर सकते कि भाई इंडिया ऐसी इकोनॉमी जो कि बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इस समय दुनिया के 7 जो बड़ी इकोनॉमीज हैं उसमें से इंडिया का नंबर आता है, $2.6 trillion की इकोनॉमी है। सिर्फ इतना नहीं है, एक पर्सनल केमिस्ट्री डेवलप होती है, वरना कोई जरूरत नहीं थी कि इस समय नेतन्याहू इतना आगे बढ़ के, जैसे कल उन्होंने कहा कि नहीं अगर एक वोट इंडिया ने हमारे खिलाफ दे दिया। इस वक्त इसराइल के प्रधान
प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं मीडिया को, माफ कीजिएगा सिंह साहब आपको रोक रहे हैं। ग्रेट फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड इजराइल, इट बिगन विद प्राइम मिनिस्टर मोदीज हिस्टोरिक विजिट टू इजराइल व्हिच क्रिएटेड ट्रेमेंडस एंथुसियाज्म। इट कंटिन्यूज विद माय विजिट हियर व्हिच आई मस्ट से इज डीपली मूविंग फॉर माय वाइफ एंड मी एंड फॉर द एंटायर पीपल ऑफ इजराइल एंड आई थिंक इट हेराल्ड्स अ फ्लरिशिंग ऑफ आवर पार्टनरशिप to bring prosperity and peace and progress for both our peoples. Thank you. थैंक यू। इजरायली पीएम कह रहे थे कि जिस तरह से पिछले साल प्रधानमंत्री हमारे मुल्क आए थे उसके बाद से ही हमारा रिश्ता एक दूसरे मोड़ पर चला गया था और आज जिस तरह का स्वागत यहाँ मिल रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कहिए। 125 करोड़ की देश एक सेकंड में 90 लाख लोगों के साथ आ गया है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। आप इसराइल का जितना पार्टनरशिप देखिएगा वो मिला के 50 करोड़ 60 करोड़ भी नहीं है, एक शॉट में वो 60 करोड़ या 70 करोड़ से बढ़कर वो करीब 200 करोड़ में पहुंच गया। ठीक है, प्रकाश शाह साहब आपसे जानने की कोशिश करेंगे, एक राजनयिक के तौर पर आपने लगातार इस तरीके के अवसरों को देखा होगा, महसूस किया होगा, लेकिन जब दोनों देशों के प्रधानमंत्री गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से मिलते हैं, प्रोटोकॉल तोड़ा जाता है, अनौपचारिक तरीके से बातचीत होती है, क्या कुछ इनका संकेत होता है दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से और आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को संदेश देने के लिहाज से? प्रकाश शाह साहब जी, ये बात आपको और हमारे देखने वाले लोगों को समझनी चाहिए कि भारत 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का जीएनपी है, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण देश है और ये इजराइल की जो विजिट है वो पॉलिटिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को समझना चाहिए कि हिंदुस्तान का या भारत का दोस्ती जो हो रहा है इजराइल के साथ वो स्टैंड अलोन दोस्ती है। हाँ। उसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारा जो वेस्ट एशिया अरब लोग इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ जो दोस्ती है उस पर असर पड़ेगा। एक चीज़ हम दिखा रहे हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा हुआ है कि एक वोट से, जेरूसलम के वोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है रिलेशनशिप से, तो हमें भी उसमें जाना चाहिए कि इसराइल के साथ हमारी रिलेशनशिप है वो हमारे फ़ायदे में है, इसराइल के फ़ायदे में है और दुनिया के फ़ायदे में है। उसका मतलब ये नहीं हुआ कि वेस्ट एशिया के साथ जो हमारी दोस्ती है उस पर कोई असर पड़ेगा। आप देख लें कि अमेरिका, यूके, फ्रांस वगैरह, उनकी स्टैंड अलोन रिलेशनशिप इसराइल के साथ है और वेस्ट एशिया के साथ भी है। हाँ। हमारी भी ऐसे हो सकती है और हम ये करने को तैयार हैं। एनके सिंह साहब, जिस तरीके के बयान कल से अब तक आए हैं बेंजामिन नेतन्याहू के, क्या कुछ इनका मतलब आप निकालते हैं, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि आतंकवाद का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ लड़कर करना होगा, एक वोट अगर भारत ने इसराइल के खिलाफ दिए तो इसका असर संबंधों पर नहीं पड़ेगा, और अभी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि विकास और शांति के मोर्चे पर दोनों देश आगे बढ़ेंगे साझेदार के तौर पर, साफ साफ सब कुछ कह चुके हैं? जी हाँ, मुझे लगता है कि अब कहने के लिए अब सिर्फ दस्तखत करने को रह गया है, बाकी जो इसको कहते हैं एक्सेसिव इमोशन, मैनिफेस्टेशन ऑफ इमोशन, दोनों मोदी जी भी इसके एक्सपर्ट माने जाते हैं और ये भी माने जाते हैं, तो मेरे ख्याल जो इमोशनल गश है वो ज़बरदस्त है दोनों के बीच में, और यही वजह है कि कल जब उन्होंने कहा तो कहा एक वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है, 100 साल पुरानी है, और उन्होंने याद दिलाया उस वार का जो हाइफा में हुआ था, जिसमें इंडिया 1918 का, और उसको दिलाने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं इससे कोई अंतर नहीं। एक सवाल हुआ उनसे, एक इंटरव्यू में उनसे सवाल किया गया कि अच्छा साहब ऐसा है कि पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए टेररिज्म, आप चाइना पे थोड़ा दबाव क्यों नहीं डाल रहे हैं, आपका तो दोस्ती है चाइना से, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से उसको टाल गए, उन्होंने कहा कि नहीं मैं फॉरेन मिनिस्टर भी हूं अनफॉर्चुनेटली, तो इसलिए डिप्लोमेटिक नाइसिटीज हम यहां बरकरार रखेंगे और बहुत चीजों पे हम, और ये खूबसूरती भी है दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से, जैसा अभी जैसा भी कह रहे हैं, खूबसूरती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये खूबसूरती, और मेरे ख्याल से ये आने वाले दिनों में जो टाइज होंगे, इंडिया की हाई इतनी जबरदस्त जरूरत है सर्विलेंस, इंटेलिजेंस, एग्रीकल्चर,
ये मतलब ये अजब देश है जहां की बिल्कुल बाफी सूखा एरिया है, लेकिन वर्ल्ड में ड्रिप इरिगेशन का इंट्रोड्यूस अगर किसी ने किया तो इजराइल ने किया। तो मेरे ख्याल से भारत में इरिगेशन अभिजीत जी इस मुलाकात पर पूरे वर्ल्ड की नजर है, खासतौर पर पाकिस्तान की भी नजर है, चीन की भी नजर है। हम तो यहाँ पर प्रक्षेपण भी करते हैं तो पाकिस्तान को परेशानी होने लगती है। अब जिस तरह से मुलाकात हो रही है और हाफिज सईद को लेकर के भी कल जिस तरह से कड़े तेवर दिखाए हैं नेतन्याहू साहब ने, उसके बाद लगता है कि पाकिस्तान की भी नींद उड़ी हुई है इस मुलाकात से। मैडम बात बड़ा सही है, टेररिज्म टेररिज्म है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे उज्बेकिस्तान हो, चाहे कजाकिस्तान हो या कोई और देश हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर टेररिज्म है, अगर पाकिस्तान का टेररिज्म है तो गोली खाएगा, अगर किसी और का भी है वो गोली खाएगा। तो इसमें कोई देश की बात नहीं है, टेररिज्म एक यूनिक एक इंटरनेशनल ग्लोबल प्रॉब्लम है। उस ग्लोबल प्रॉब्लम में अगर इसराइल और हिंदुस्तान आके मिलकर लड़ती है तो बाकियों को तो खुशी होना चाहिए, वो काहे को नाराज होंगे। जी ठीक है।